नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। हमारे देश का विपक्ष भगवे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि भगवे के खिलाफ लड़कर वो जीत जाएगा, लेकिन दुनिया जीतने के लिए भगवा का दामन थाम रही है। कोई भगवा गमछा ओढ़े हुए नजर आ रहा है, तो कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है, तो कोई आरती गा रहा है, तो कोई भगवद गीता लेकर वोट मांग रहा है। दुनिया का ये हाल है, लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है वो कुछ और ही राग अलाप रहा है। अब ऐसे में हम बात करते हैं उन नेताओं की जो हिंदू धर्म को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, महाशक्ति, सुपर पावर किस तरीके से एक भारतीय के हाथ में आने वाली है, और वहां भी भगवा लहराने वाला है। जी हाँ, व्हाइट हाउस में भी अब भगवा लहराएगा। तमाम वो देश जहां पर भारतीय राज कर रहे हैं उनके बारे में भी हम बताएंगे। इस वक्त 7 ऐसे देश हैं जिनकी कमान भारतीयों के हाथ में है। 200 साल तक जिसने भारत पर राज किया, आज उसका प्रधानमंत्री एक भारतीय है, और वो गर्व से कहता है कि मैं एक सनातनी हूँ। जय श्री राम का नारा लगाता है, गाय की पूजा करता है, और कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण के मंदिर भी जाता है। भले ही उसे कट्टरपंथी निशाना बनाते हो, लेकिन वो गर्व से कहता है मैं एक सनातनी हूँ। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जीतने के लिए भगवा गमछे में नजर आते हैं और ओम का गमछा ओढ़े हुए नजर आते हैं और जीत हासिल करते हैं। और अब अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले हर कोई भगवे में रंगा हुआ नजर आ रहा है। कोई भगवद गीता लेकर वोट मांग रहा है, तो कोई आरती गाता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, तस्वीरें आपके सामने हैं, देख रहे हैं आप निकी हेली जो कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आगे बढ़ रही हैं, उम्मीदवारी में सबसे आगे नजर आ रही हैं, वो भी आरती गा रही हैं। वहीं पर विवेक रामास्वामी ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ और हाँ, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। गर्व से वो ये बता रहे हैं वो हिंदू हैं और इससे कोई गुरेज नहीं है। अमेरिका का इतिहास रहा है कि बड़े बड़े जो धर्म को मानने वाले हैं, सच्चे इस्लाम के मानने वाले हैं, उन लोगों ने भी यहाँ आकर नतमस्तक कर लिया था और अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म भी अपना लिया था। लेकिन विवेक रामास्वामी गर्व से कह रहे हैं मैं हिंदू था, हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूंगा। तो ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक भगवा छा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में तो भगवा छाया ही हुआ है, दुनिया के तमाम देशों में भगवा छा रहा है, यहाँ तक कि सबसे बड़ा जो इस्लामिक देश है वहाँ भी भगवा छाया हुआ है, श्री राम का वहाँ भी बोलबाला है। अब ऐसे में हमारे देश का जो विपक्ष है वो क्यों अनजान और बेवकूफ बना हुआ है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से अमेरिका में भगवा छाया हुआ है और भारतीयों का दबदबा जो है वो अमेरिका में बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में अमेरिका का जो राष्ट्रपति होगा वो भी एक भारतीय होगा, वो भी एक हिंदू होगा। दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले 120 करोड़ लोग हैं। दुनिया के 110 से ज्यादा देशों में हिंदू रहते हैं और हिंदू लगातार अमीर होते जा रहे हैं, और इसकी वानगी कुछ दिन पहले ही खुद को सुपर पावर समझने वाले अमेरिका में भी देखने को मिली, जहां पर वहां के रिपब्लिकन पार्टी के नेता भारतवंशी विवेक रामास्वामी ने ऐलान कर दिया कि मैं हिंदू हूं और मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है। अमेरिका में हिंदुओं का बोलबाला सिर्फ चंद लोगों के बयानों और चर्चाओं में नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी हिंदुओं का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में अब दिवाली पर सरकारी छुट्टी देने की भी तैयारी चल रही है। इसको लेकर न्यूयॉर्क असेंबली में एक कानून बनाने की भी तैयारी चल रही है। न्यूयॉर्क असेंबली के स्पीकर कार्ल हेस्टी ने 24 मई 2023 को एक बयान जारी किया था कि दिवाली पर सरकारी छुट्टी होनी ही चाहिए, और इसके साथ ही प्रस्ताव भी रखा था। फिलहाल दिवाली के दिन न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, कैलिफोर्निया, मैरीलैंड, वर्जीनिया, टेक्सास, जॉर्जिया, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में आधिकारिक अवकाश रहता है। दिवाली को अमेरिका का देशव्यापी अवकाश बनाने के लिए एक प्रस्ताव अभी पास होना है। ऐसा होने पर दिवाली अमेरिका का 12वां संघीय अवकाश बन जाएगा। अमेरिका में हिंदुस्तान के बढ़ते वर्चस्व की कहानी सिर्फ हिंदू तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंदी का भी बोलबाला तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका के स्कूलों में हिंदी भाषा की पढ़ाई के लिए राह खुलनी शुरू हो गई है। अमेरिका में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के संगठन एशिया सोसाइटी और इंडियन अमेरिकन इंपैक्ट से जुड़े 100 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति बाइडेन को इस बारे में प्रस्ताव भी सौंपा है। इसमें 816 करोड़ रुपए के फंड से 1000 स्कूलों में हिंदी पढ़ाई शुरू करने की अपील की गई है।
कहा तो ये भी जा रहा है कि अगले साल 2024 में सितंबर से हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू की जा सकती है। अमेरिका में भारतीयों की बहुलता वाले न्यूजर्सी, टेक्सास, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया राज्यों में हिंदी पढ़ाने वाले लगभग 10 स्कूल हैं। अमेरिका में फिलहाल हाई स्कूल स्तर पर हिंदी की पढ़ाई के कोर्स चल रहे हैं। इसमें हिंदी की बेसिक पढ़ाई ही कराई जाती है। अमेरिका में रहने वाले लगभग 45 लाख भारतवंशियों में से 9 लाख लोग हिंदी ही बोलते हैं, जो वहाँ बोली जाने वाली भारतीय भाषा में नंबर वन है। इसके साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दें कि भारतीय सिर्फ रहते नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर सबसे ज्यादा अमीर भारतीय ही हैं, सबसे ज्यादा टैक्स भी भारतीय ही भरते हैं। अमेरिका की आबादी का 1% हिस्सा भारतीय अमेरिकी है, जबकि वो 6% टैक्स चुकाते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका में 5 डॉक्टरों में से एक भारतीय ही होता है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा देशभक्त, ईमानदार नागरिक अगर कोई है तो वो भारतीय अमेरिकन ही है। अब ऐसे में जिस तरीके से भगवा विश्व में बढ़ रहा है और भारत विश्व गुरु बन रहा है, इस पर आपकी क्या सोच है कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।